के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता की अध्यक्षता में आगामी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर बेनिंगगंज स्थित पार्टी कार्यालय पर बैठक सकुशल संपन्न हुआ है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगामी 2 और 3 मार्च को जनपद में शिलान्यास व लोकार्पण का कार्यक्रम है, जिसकी तैयारियों के लिए महानगर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गयी। इसके साथ ही आगामी लाभार्थी संपर्क, घर घर संपर्क एवं अन्य कार्यक्रमों को लेकर विस्तृत चर्चा की गयी। इस अवसर पर बैठक में प्रमुख रूप से भाजपा के महानगर महामंत्री अच्युतानंद शाही, देवेश श्रीवास्तव, ओम प्रकाश शर्मा, इंद्रमणि उपाध्याय और महानगर पदाधिकारी व पार्षद, मंडल अध्यक्ष सहित मंडल के सभी प्रमुख पदाधिकारी गण उपस्थित रहे। पार्टी गोरखपुर महानगर के महानगर पदाधिकारी, सम्मानित मंडल अध्यक्ष और सभी सम्मानित पार्षदगण एवं जो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से लड़े अपने ऐसे सभी प्रत्याशीगण, आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर महानगर के महामंत्री श्री देवेश श्रीवास्तव जी, श्री अच्युतानंद शाही जी, श्री इंद्रमणि उपाध्याय जी, लोकप्रिय ब्लॉक प्रमुख श्री शिव प्रसाद जायसवाल जी एवं इस बैठक का संचालन कर रहे महानगर के लोकप्रिय महामंत्री श्री ओम प्रकाश शर्मा जी एवं यहाँ पर उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर महानगर के पदाधिकारीगण, मंडल के सभी सम्मानित अध्यक्षगण, सभी मोर्चों के सम्मानित अध्यक्षगण एवं सभी हमारे माननीय पार्षदगण, चुनाव लड़े हुए सभी प्रत्याशीगण, आप सभी का आज की इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर महानगर कार्यालय पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जो बैठक है मुख्य रूप से 2 तारीख और 3 तारीख को हम सबके लोकप्रिय नेता, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के विभिन्न कार्यक्रम इस गोरखपुर महानगर में तय है। उसी कार्यक्रमों की तैयारी के संदर्भ में आज हम सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो आगामी पार्टी के कार्यक्रम चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण फोरम बैठा हुआ है गोरखपुर महानगर के को चलाने वाले लोग यहाँ बैठे हैं, तो निश्चित ही जो हमारे आगामी कार्यक्रम और जो कार्यक्रम चल रहे हैं पार्टी के, उसकी भी चर्चा हम सभी करेंगे। लेकिन जो आज की बैठक है मुख्य रूप से मुख्यमंत्री जी के आगमन को लेकर जो यहाँ कार्यक्रम गोरखपुर महानगर में होने हैं, उस कार्यक्रम की तैयारी के संदर्भ में हम सभी बैठे हैं। गोरखपुर में होता रहता है, हम सबका सौभाग्य आदरणीय डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी भी पहुंचाते हैं। उसी क्रम में 2 तारीख को 2 बजे महंत दिग्विजयनाथ पार्क में विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास का एक भव्य कार्यक्रम आयोजित है, क्योंकि आगे आने वाले समय में हम सभी जान रहे हैं कि चुनाव आने वाला है, चुनाव के पहले का ये कार्यक्रम है, तो कैसे ये कार्यक्रम ऐतिहासिक बने, कैसे इस कार्यक्रम में ऐतिहासिक भीड़ हम सभी अपने अपने वार्डों से लेके आवे, क्योंकि जब भीड़ आएगी तो मुख्यमंत्री जी को भी ये लगेगा कि हाँ ये हमारा गोरखपुर है, जिस गोरखपुर को संवारने सजाने के लिए वो दिन रात लगे रहते हैं। दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 1 मार्च से 2 मार्च तक होने वाले 2 दिवसीय वार्षिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज के प्रांगण में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय पहलवान राकेश सिंह ने गुब्बारा उड़ाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय पहलवान राकेश सिंह ने कहा कि जो विद्यार्थी खेलते हैं वह निश्चित रूप से चरित्रवान होते हैं। चरित्र निर्माण में खेलों की अहम भूमिका होती है, क्योंकि एक खिलाड़ी अनुशासित तरीके से अपना जीवन जीता है। खेल हमारे अंदर एक उत्साह का सृजन करता है और उत्साह साहस को जन्म देता है। साहसी व्यक्ति ही समाज में संघर्ष करने के योग्य होता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। उन्होंने एकलव्य का उदाहरण देते हुए कहा कि आप भी अपनी योग्यता को पहचानिए और उसके अनुरूप अपने पूर्ण मनोयोग के साथ लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ाएं। निश्चित तौर पर आप ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। एक शिक्षक द्वारा अपने विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाया जाना एक विद्यार्थी के लिए सबसे उत्कृष्ट पुरस्कार होता है। जब शिक्षा व्यवसाय हो जाता है तो विद्यार्थियों में आत्मीयता और समर्पण की भावना भी समाप्त हो जाती है। ऐसे में सशक्त राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। वहीं इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी
अधिकारी डॉक्टर अश्विनी कुमार मिश्रा ने कहा कि दूसरे को जीत में भी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि हमें उस हार और उस जीत से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। विजय और पराजय महत्व नहीं रखता, बल्कि आपका उत्कृष्टता के साथ खेलों में प्रदर्शन महत्व रखता है। पढ़ाई में अनुशासन और खेल में जज्बों के साथ अपने प्रदर्शन की वजह से हमारे अंदर अच्छे हार्मोन्स का श्रवण होता है और हमारा सोच और चरित्र उत्तम होगा। विद्यार्थियों के अतिरिक्त पार्टिसिपेंट्स के अतिरिक्त दिखाई दे रहा है दौड़ते हुए, निश्चित तौर पर राज्य में से विजेता होगा पहला दूसरा और तृतीय स्थान का इलाज। मैं इस प्रांगण से ही अपने खेल जीवन का आरंभ किया था। आदरणीय श्री राकेश पहलवान जी अपने बीच क्षेत्रीय उच्च शिक्षा मंत्री, हम सबके बड़े ही आत्मीय प्रोफेसर अश्विनी मिश्रा जी, महाविद्यालय विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर प्रोफेसर अभय सिंह जी, महाविद्यालय के सभी प्राध्यापक गण, कर्मचारी बंधुओं और इस प्रांगण में उपस्थित महाविद्यालय के सभी खिलाड़ी और खेल प्रेमी, मौसम की प्रतिकूलता को देखते हुए और मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि के उद्बोधन के बाद मैं समझता हूं कि मेरे लिए बोलने को ज्यादा नहीं है। खेल शुरू करने का समय है, इसलिए संक्षेप में मैं कहूंगा, आज इंद्रधनुषी प्रतियोगिताएं 2 दिनों तक चलेंगी। एथलेटिक्स के कई आइटम जो चिन्हित किए गए हैं उसका प्रदर्शन आप करेंगे। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के तहत, क्योंकि जहां प्रतिस्पर्धा का भाव होता है वहां सर्वोत्तम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यही सूत्र काम करता है। विजेता कोई एक होगा, लेकिन हमें जीत और हार से ऊपर उठ करके एक खेल भावना के तहत अपनी चयनित प्रतिस्पर्धा में प्रतिभाग करना है। इस अवसर पर दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह, क्रीड़ा सचिव अवधेश शुक्ल, डॉक्टर नीतीश शुक्ला सहित विद्यार्थी उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अंतर्राष्ट्रीय पहलवान राकेश सिंह ने कहा, खिलाड़ियों के लिए यही है कि खिलाड़ी खूब मन लगा कर खेले, स्वस्थ रहे, बलवान बने, देश के चरित्रवान नागरिक बने और खेल कूद के माध्यम से भी खिलाड़ी आगे बढ़ सकते हैं। सरकार की इतनी सारी योजनाएं हैं कि उसमें भी उनका भविष्य सुरक्षित है, तो इस नाते खेलों का आयोजन होना चाहिए। और इस विद्यालय परिवार का मैं आभारी हूं कि इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और मुझे आमंत्रित किया गया, इसके लिए विद्यालय परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। मंडल क्रिकेट संघ से संबंध और उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ से मान्यता प्राप्त 8वीं ऑल इंडिया प्राइज मनी 2020 लक्ष्य चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन 3 से 10 मार्च तक गोरखपुर में किया जा रहा है। इस लीग आधारित क्रिकेट प्रतियोगिता को सम्पन्न कराने हेतु सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। कुल 1 मैच 3 मार्च से शुरू हो रहे हैं, जिसमें उद्घाटन मुकाबला रेलवे क्रिकेट ग्राउंड पर पूर्वोत्तर रेलवे और चंडीगढ़ के बीच खेला जाएगा। रेलवे क्रिकेट मैदान पर उसी दिन क्रिकेट एसोसिएशन उत्तराखंड और इंदौर मध्य प्रदेश के बीच
बीच पुल ए का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। पुल ए में इंदौर, मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर रेलवे, चंडीगढ़, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन और उत्तराखंड की टीमें हैं, जबकि पुल बी में सीएजी, कैग, इंडियन नेवी, नई दिल्ली और रायपुर छत्तीसगढ़ की टीमें हैं। पुल बी के मुकाबले 6 मार्च से खेले जाएंगे। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी टीमों के खिलाड़ियों की सूची आयोजन समिति को प्राप्त हो चुकी है, जिनमें आईपीएल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर और रणजी खिलाड़ियों से सुसज्जित टीमों के क्रिकेट खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रदेश के सबसे बड़े पुरस्कार राशि वाली इस प्रतियोगिता के सफलतापूर्वक संपन्न कराने हेतु बीसीसीआई के अंपायर अश्विनी मध्यायनी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय बीसीसीआई स्तर के अंपायरों और स्कोरर की टीमें गोरखपुर आ चुकी हैं, जिनके दिशा निर्देश में ग्राउंड और पिच को तैयार किया जा रहा है। इस वर्ष भी थर्ड अंपायर की व्यवस्था की गई है, जो मैच के दौरान मैदान में कैमरों से नजर रखेंगी, जिससे रन आउट सहित अन्य निर्णय देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। साथ ही यूट्यूब पर भी सभी मैचों को प्रसारित करने हेतु तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस अवसर पर लक्ष्य स्पोर्ट्स अकेडमी के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश यादव, सचिव डॉक्टर त्रिलोक रंजन, उपाध्यक्ष संतोष त्रिपाठी, संयुक्त सचिव डॉक्टर मुदित गुप्ता, मंडल क्रिकेट एसोसिएशन के संयुक्त सचिव शफीक अहमद सिद्दीकी, सर्वे श्रीवास्तव, अरविंद मिश्रा, डॉक्टर इब्राहिम, पंकज मिश्रा, शिशिर श्रीवास्तव, मनोज सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए लक्ष्य स्पोर्ट्स अकेडमी के संरक्षक डॉक्टर हर्ष कुमार सिन्हा ने कहा, लक्ष्य ट्रॉफी क्रिकेट जो टूर्नामेंट है उसके विषय में बातचीत करने के लिए आज यहाँ उपस्थित हैं और हम लोग बातचीत शुरू करें। इससे पहले मैं आप सबसे परिचय करा देना चाहता हूँ। लक्ष्य स्पोर्ट्स अकेडमी से आप लोग भली भांति परिचित हैं। पिछले 15 वर्षों से गोरखपुर और इस समीपवर्ती अंचल में खेल के विकास, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, उनको संसाधन मुहैया करने और उनको अवसर मुहैया करने के लिए लक्ष्य स्पोर्ट्स अकेडमी निःशुल्क काम कर रहा है और इसने विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न खेल प्रतिभाओं को यहाँ पर अवसर प्रदान किया है। एक और बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन योगदान है लक्ष्य स्पोर्ट्स अकेडमी का। अखिल भारतीय स्तर पर एक हर साल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन कराना, हम लोग उसी प्रतियोगिता के बारे में बातचीत करेंगे और मेरे साथ लक्ष्य स्पोर्ट्स अकेडमी के सचिव डॉक्टर त्रिलोक रंजन जी हैं, उपाध्यक्ष संतोष त्रिपाठी जी हैं और संयुक्त सचिव डॉक्टर मुदित गुप्ता जी हैं। जैसा मैं आपसे कह रहा था कि हर साल की तरह इस साल लक्ष्य स्पोर्ट्स अकेडमी के तत्वावधान में 8वीं ऑल इंडिया प्राइज मनी लक्ष्य चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन 3 मार्च से शुरू हो रहा है। ये प्रतियोगिता 3 मार्च से शुरू होगी और 10 मार्च तक चलेगी, जो इसके फाइनल मुकाबले हैं वो 10 मार्च को खेले जाएंगे, सेमीफाइनल मुकाबले 9 मार्च को खेले जाएंगे और ये प्रतियोगिता लीग आधार पर खेली जाएगी और T20 प्रतियोगिता है जिसमें 20-20 ओवरों के सीमित फॉर्मेट में ये प्रतियोगिता खेली जाएगी। 2-3 बातें इसके विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ जो इसकी विशेषता है। एक तो ये कि ये उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता है, प्रदेश की सबसे बड़ी पुरस्कार राशि वाली प्रतियोगिता है, इसको मंडलीय क्रिकेट संघ से भी संबद्धता हासिल है और ये एक ऐसी प्रतियोगिता है जिसकी इसलिए बहुत प्रतिष्ठा है इस आयोजन की क्योंकि ये पूरी तरह से बीसीसीआई के मानदंडों पर आयोजित की जाती है, बीसीसीआई के अंपायर्स की निगरानी में की जाती है और जैसा कि एक अच्छी खेल प्रतियोगिता में होना चाहिए इसमें एक थर्ड अंपायर की व्यवस्था है, इसका सीधा प्रसारण होता है। तो इन सारी खूबियों की वजह से बहुत कम समय में लक्ष्य चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता ने न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश के स्तर पर एक अपनी पहचान बनाई है और हर साल इसमें बहुत अच्छी टीमें और बहुत अच्छे खिलाड़ी जिनमें से बहुत सारे राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व कर चुके हैं या जो आईपीएल के टूर्नामेंट खेल चुके हैं, इस साल भी हमारे पास कुछ ऐसे खिलाड़ी आ रहे हैं जो अब तक हमारे पास सूचना है उसके मुताबिक अमित उनियाल आ रहे हैं जो राजस्थान रॉयल्स से और पंजाब से आईपीएल टीमों का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, सनराइजर्स हैदराबाद का प्रतिनिधित्व करने वाले उपेंद्र यादव आ रहे हैं जो इंडिया ए से भी खेल चुके हैं, इसके अलावा वरिंदर सरन
जो भारतीय क्रिकेट टीम का भी हिस्सा रहे हैं उनके भी इस टूर्नामेंट में आने की संभावना है। सारुल कंवर मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी हैं, वो भी आ रहे हैं। राजस्थान रॉयल्स के एक और खिलाड़ी हैं फैजान आलम, उनकी भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वो क्रिकेट प्रतियोगिता में मौजूद रहेंगे। समीर चौधरी इंडिया ए से खेल चुके हैं, वो आ रहे हैं। और राजस्थान रॉयल्स के अंकित शर्मा खेल रहे हैं। इसके अलावा कई रणजी प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व करने वाले या विभिन्न स्तरों पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी भी यहां आ रहे हैं। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के सभागार में डॉक्टर दयाशंकर विद्यालंकार उर्फ मिनी अटल ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि मैं गोरखपुर का निवासी हूं, मुझे महंत अवैधनाथ महाराज का पावन सानिध्य 1988 से प्राप्त है। उनके संरक्षण में राम जन्मभूमि आंदोलन और लोकसभा व विधानसभा चुनाव में मिनी अटल के नाम से पूरे भारत में भाजपा को विजय दिलाने हेतु अपने व्यक्तिगत व्यवहार से लाभान्वित करता रहा हूं। और मैंने आरएसएस से जुड़कर आईटीसी और ओटीसी भी किया है तथा संघ के विस्तार हेतु पूरे भारत में समय समय पर नानाजी देशमुख और अन्य महापुरुषों के साथ कार्य किया और हिंदुओं का धर्मांतरण होने से बचाने का कार्य किया। इसके अलावा 4 वर्ष तक हरिद्वार में कुष्ठ रोगियों की सेवा और उनके घाव की साफ सफाई, उनके बच्चों को शिक्षा देना, उन्हें धर्मांतरण होने से बचाना भी मेरा कार्य रहा है। उन्होंने कहा कि वेदों की राजनीतिक व्यवस्था अत्यंत न्यायपूर्ण और प्राणी मात्र के कल्याणकारी उन्नति का आधार है। बहुत तपस्या के बाद मुझे मुख्यमंत्री आशीर्वाद से भारत और दुनिया में कार्य करने में सफलता प्राप्त हुई है, इसलिए मेरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति सदैव वफादारी और विश्वास है। यदि मुख्यमंत्री मुझे राजनीतिक रूप से लोकसभा में देश की सेवा करने का अवसर देंगे तो मैं विनम्रता से उनके आशीर्वाद को स्वीकार करके भारत के सदन में वैदिक संस्कृति के उत्थान हेतु कार्य करूंगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर दयाशंकर विद्यालंकार उर्फ मिनी अटल ने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में भारत की संस्कृति और धर्म के लिए और भारत की यौगिक प्रक्रिया को दुनिया में बढ़ाने के लिए और उसी तरह की विद्या की प्राप्ति की, तो मेरी विद्या की उन्नति में, मेरे जीवन की शुरुआत में पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज जी का बड़ा आशीर्वाद रहा। उनकी कृपा से ही मैंने ये विद्या पढ़ी और हरिद्वार में उनकी कृपा से गए, वेद की विद्या की पढ़ाई करी। फिर हरिद्वार से जिस विद्या को सिखाने वाला जहाँ जहाँ विद्वान मिले, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, उन उन जगहों पर जा कर के आचार्यों के चरणों में बैठ कर के मैंने वेद की विद्या को सीखी। और हमने ये पाया कि भारत की संस्कृति या कहें सारे संसार को उन्नति करने के लिए एकमात्र ठोस आधार अगर है तो वह है वेद। और पूरे दुनिया में जितने भी प्रकार की संस्कृति में विस्तार हुए हैं, उन सारी संस्कृतियों के मूल में कहीं न कहीं जो अच्छी बातें हैं वो वेद से ही लिया गया है। तो उस वेद विद्या को संसार में प्रचारित प्रसारित करने के लिए भारत की आज़ादी के बाद से अगर किसी ने पुरुषार्थ किया, प्रयास किया, तो पूज्य महाराज जी का योगदान रहा और सुषमा स्वराज जी ने इसको दुनिया में फैलाने के लिए बहुत बड़ा योगदान किया। तो एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा अनुभव रहा है भारत की संस्कृति के लिए, धर्म के लिए, वो बहुत अच्छा रहा है। और मुझे लगता है कि इस वेद विद्या का विस्तार अगर भारत में ठीक प्रकार से हो तो बहुत अधिक देश को उन्नति मिल सकती है। और ये अनुभव में आया है कि ज़िंदगी में एक व्यक्ति के लिए अगर पूरे संसार की पुलिस की सुरक्षा लगा दिया जाए और फिर भी हम कहें कि वह व्यक्ति सुरक्षित है, तो मैंने जितना वेद का अध्ययन किया मुझे लगता है उसके अनुसार वो व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। क्योंकि व्यक्ति जब अपराध करता है तो अपराध अपने मस्तिष्क से करता है, तो क्या संसार में मस्तिष्क को पवित्र रखने के लिए हमारी शिक्षा प्रणाली में कोई बड़ा काम हुआ क्या? तो इसका उत्तर मिलता है कि ऐसा कोई ठोस प्रयास मस्तिष्क को बदलने के लिए देश में अभी तक दिखाई नहीं देता है। तो उस मस्तिष्क को ठीक प्रकार से बदलने के लिए भारत की सरकार ने योग और वेद के माध्यम से जो प्रयास किया है वो बहुत प्रशंसनीय है। और उस विद्या को हमने पढ़ा है तो हम चाहते हैं कि उस विद्या को भारत की सदन में ठीक प्रकार से प्रस्तुत किया जा सके। यदि ऐसा कोई अवसर लगता है तो हम इसको करेंगे। क्या आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा से रहा है, जब से हम गोरखपुर में भी उनसे संपर्क में रहे हैं, पार्लियामेंट में भी हम उनको मिलते रहे हैं, और जब से हमारा जीवन के सामाजिक अनुभव है, जब से उधर संन्यास लिए तब से मैं उनके चरणों में मिल करके उनके साथ संपर्क में हो करके जैसा उन लोगों का निर्देश रहा है भारत की संस्कृति के लिए, धर्म के लिए हमने कार्य किया। आपने लास्ट में लिखा है कि लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, यदि हमको मौका मिला मैं संसद में जाकर वेद को और बढ़ावा दूंगा, उस पर आवाज़ उठाऊंगा। क्या चुनाव भी लड़ना चाहते हैं आप? बिल्कुल लड़ना चाहते हैं। अगर देश में जो
धर्म और संस्कृति को जानने वाला, हमने इतनी तपस्या से वेद विद्या को पढ़ी है, जो पूरे दुनिया में वेद विद्या को जानने वाले बहुत गिने चुने लोग हैं, उनमें से एक हमारा भी नाम आता है। तो यदि हम संसद में जाते हैं तो संसद की भावनाओं, भारत की संस्कृति की भावनाओं को सदन में जिस रूप में हम रख सकते हैं, वो जो वेद नहीं पढ़े हैं, जो नहीं देखे, वो नहीं रख पाएंगे। तो कहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं? गोरखपुर से लड़ना चाहते हैं। मतलब योगी जी से उम्मीद है टिकट मिल जाए अगर बीजेपी से? तो नहीं, उम्मीद नहीं, अगर महाराज जी की लगेगा कि उनको हमें लड़ना चाहिए और ऐसी उनकी कृपा होती तो हम जरूर लड़ेंगे। मान लीजिए टिकट नहीं मिलता, क्या निर्दल लड़ेंगे? नहीं, नहीं, पार्टी से ही लड़ेंगे, और नहीं मिलेंगे तो पार्टी के लिए जैसे पहले काम करते रहे वैसे आगे भी काम करेंगे। गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सृजन शक्ति प्रेरक समावेश कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसके संबंध में गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने बताया कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, जिसको देखते हुए वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन करवाया जा रहा है। इसमें सभी अलग अलग दिन अलग अलग तरह के कार्यक्रम होंगे, जिससे महिलाओं को जागरूक किया जा सके, जिसका शुभारंभ आज से हो रहा है। हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। जो 1960s में जिसमें बहुत लोग उसमें बहुत ही महिलाएं शामिल थी, क्यूरिस्ट, क्रिटिक्स, उन्होंने इसको सेलिब्रेट करना शुरू किया और उन्होंने इसको माध्यम बनाया बहुत सारे इश्यूज को डील करने के लिए जो महिलाओं से संबंधित हैं, जैसे कि जेंडर इक्वालिटी, रिप्रोडक्टिव राइट्स, वायलेंस एंड अब्यूज अगेंस्ट विमेन, इसके अगेंस्ट अवेयरनेस क्रिएट करना, और धीरे धीरे करके समाज के हर दायरे में ये इसका फैलाव हुआ, लोग से जुड़ने लगे और यूनाइटेड नेशंस ने इसको एक तरह से एक यूनिवर्सल एक इवेंट माना है। इस इवेंट के अंतर्गत बहुत सारे कैंपेन्स, पर्टिकुलर इश्यूज, विमेन्स राइट से संबंधित बहुत से आवश्यक पहलुओं को उजागर करने का एक उन्होंने इसको एक माध्यम बनाया, डी यूनिवर्सिटी, क्योंकि जब ये सोशियो कल्चरल फॉर देयर इज नो फ्रेंड लाइक अ सिस्टर। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है हमारा 8 मार्च को, तो उसी के लिए हमारे जो विश्वविद्यालय है वो वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन कर रहा है और कई कार्यक्रम करा रहा है, कुछ जागरूकता को लेकर करा रहा है और कुछ और चीज़ें हैं जो आपको हर दिन नया दिखाई देगा। और सबको आज तो हम नहीं कहेंगे कि महिला दिवस की शुभकामनाएं, वो तो हम 8 मार्च को बोलेंगे। तो शुरुआत हमारी आज हो रही है और मैडम ननता सिंह, प्रोफेसर ननता सिंह जी हैं जो इसकी प्रेसिडेंट हैं हमारी।